नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आरोग्य भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजित नारायण मिश्र ने कहा कि आज पश्चात जीवन शैली और प्रदूषण के चलते लोग गंभीर बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली, योग, आयुर्वेद, ऋतु अनुसार दिनचर्या, उचित आहार विहार अपना कर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि निरोगी काया की ही संसार का सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ ग्राम से स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना करना आरोग्य भारती का मुख्य उद्देश्य, इसलिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसलिए सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं संचालक आरोग्य भारती के पंकज कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार मणि, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक डॉक्टर उपेंद्र कुमार गिरी, डॉक्टर जनार्दन, डॉक्टर राम प्रवेश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर श्वेता अंजलि, शशिकांत, आदित्य मिश्र, नवीन आशुतोष कुमार दुबे, रुद्रांश कुमार, सूर्यांश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत से सत्येंद्र कुमार राव की खास रिपोर्ट। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का पर्पस ही है कि सारे लोग स्वस्थ रहें और इस चीज को जाने, स्वास्थ्य के बारे में जाने। वैसे तो स्वस्थ रहने की सबको जरूरत है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन आज के जनरेशन में, इस टाइम में महिलाओं को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहने की जरूरत है, क्योंकि उनको एक घर को संभालना होता है, एक परिवार को संभालना होता है। और अगर वो बीमार रहेंगी या वो अस्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार ही अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि खान पान, साफ सफाई, जो महीने की साफ सफाई, ये सब चीज़ों के बारे में उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।